इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोस्वामी सुशील जी महाराज, जिनका 74वां जन्मदिवस है और फादर एग्नेल स्कूल में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो उनसे बात करेंगे। और सर, आपका जो सर्वधर्म संसद समिति है, इसका अगले एक साल के लिए लोगों को एक करने के लिए क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, भारतीय सर्वधर्म संसद का मूल उद्देश्य है इस देश के लोगों को एक सूत्र में बांधना, मज़हब के नाम से नहीं, भारतीयता के नाम से भारत धर्म का निर्वहन हम सब करें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में ये सद्भावना दिवस, आज मेरा जन्मदिन है, इस्तिफाक है, मगर कुछ दिन के बाद मदरसे में मुझे जाना है और वो मदरसे के हमारे जो मुस्लिम छात्र हैं वो जन्मदिन मनाएंगे। पूरे साल में हम ये सद्भावना दिवस है देश में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से हम चारों कोनों में हम लोग पहले से जा रहे हैं, और इस वर्ष का कार्यक्रम हमारा ये है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह हम धर्मगुरु जाकर ये एकता अखंडता का ये मैसेज देंगे, ये हमारा कार्यक्रम है। सर, जैसा कि अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो राम मंदिर को किस तरह से देखते हैं कि राम मंदिर का निर्माण किस तरह से किया जाना चाहिए? राम मंदिर निर्माण हो, इसमें किसी की भी कोई दो राय नहीं है। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, संत हूँ, मेरी भावना अगर 100% हो सकती है तो किसी दूसरे की 99% हो सकती है, 80% हो सकती है, मगर इस देश का हर हिंदुस्तानी कहीं भी इसका विरोध नहीं करता। राम मंदिर बनना चाहिए, शीघ्र बनना चाहिए, और मुझे आशा है बातचीत करके इस मसले को हल करके इस मंदिर को बनाया जाना चाहिए। बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, बातचीत से ही इसका हल निकल सकता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी से इसका कोई समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि एक के पक्ष में जाएगा दूसरे के विपक्ष में जाएगा, तो जिसके पक्ष में जाएगा वो खुश होगा, जिसके पक्ष में नहीं जाएगा वो नाराज होगा। हमें सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा मार्ग निकालना है कि सद्भावना बनी रहे और ये कार्य भी पूर्ण हो जाए, राम मंदिर भी पूर्ण बने। जी, 10 न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद सर, और 10 न्यूज़ की तरफ से आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।